गाइस, तो आज के वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं इस कीबोर्ड के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है गेमिंग कीबोर्ड K500F। ओके, एंड ये कीबोर्ड मंगाने का रीज़न क्या है, क्यों मैंने ये कीबोर्ड मंगाया एंड और दूसरे ऑप्शंस क्यों नहीं मंगाए, पूरा डिटेल में बात करके। सबसे पहली चीज़ तो अब इसे करते हैं अनबॉक्स एंड उसके बाद में आपको पता चलेगा कि यही वाला मैंने क्यों परचेस किया इतने सारे ऑप्शंस होने के बाद में। एंड अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अनबॉक्सिंग पे। अब देखिए ध्यान से, तो कीबोर्ड का लुक कुछ इस तरीके से आपको मिलता है, कीबोर्ड का यानी कि कीबोर्ड के बक्से का लुक। अब मुझे पता है आपको बक्से से कुछ लेना देना है नहीं वैसे ज़्यादा करके, तो बक्से को सीधा खोल लेंगे एंड देखेंगे उसके अंदर मिलता क्या है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे पैकिंग है भाई पूरी तरीके से। अब हमें क्या करना है कि इस पैकिंग को करना है ओपन। तो सबसे पहले इसे कर लेते हैं ओपन। तो देखो, ऐसा वाला पैकिंग होगा तो अच्छा बात है। अब मुझे इतना आराम से इसे ओपन नहीं करना है, तो मैं क्या करता हूँ ना, सीधा यहाँ से भाई अनबॉक्सिंग करने की स्टाइल अपनी थोड़ी अलग है, इतना टाइम हम लोग नहीं लगाते यहाँ पे। अगर ये नहीं खुल रहा है तो सीधा टेढ़ा मेढ़ा करके अनबॉक्स कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खोल देंगे। देखो, अब यहाँ से ओपन होने के बाद में ये कीबोर्ड हमें मिलता है। वाव, बहुत बढ़िया। मेरी अनबॉक्सिंग की स्टाइल थोड़ी अलग है, मुझे पता है आपको देख करके थोड़ा सा अलग फील हो रहा होगा, टेंशन मत लो। एंड ये कीबोर्ड देखो, वाव, लग तो सही रहा है। इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है वो भी एक बार देख लेते हैं। हमें इसके अंदर मिलता है वारंटी कार्ड, प्रोडक्ट का वारंटी कार्ड, कोई बात नहीं। उसके बाद में हमें और क्या चीज़ें मिलती है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली वारंटी कार्ड मैंने आपको बता दिया। सेकंड हमें मिलता है कुछ इसका मैनुअल, बुकलेट आप कह सकते हो। ठीक है, इसके अंदर बहुत से लैंग्वेजेस में हमें बताया गया है क्या क्या है, कैसे कैसे है, जिसका हमें कोई यूज़ नहीं है फिलहाल। उसके बाद हमें यहाँ पे प्रोडक्ट का नोटिस मिलता है जिसका मुझे काम नहीं है। यहाँ पे हमें एक और चीज़ मिल जाती है HP का प्रोडक्ट, इसका भी मुझे काम नहीं है, सपोर्ट का, जब पड़ेगा तब देखेंगे। तो अब इसे जो है हम करते हैं क्लोज़। अनबॉक्स मैंने कर लिया हुआ है। देखो, अभी अनबॉक्स का मैं वीडियो अलग से डाल सकता हूँ, लेकिन मैं अभी एक ही वीडियो के अंदर आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा कि ये कैसा चलता है। अब मैं आपको यहाँ पे प्रॉपरली दिखाऊंगा कि यहाँ पे आपको ये जो लिखा गया है वो कैसे दिखाई देता है, ABCDEFGWXYZ जो भी है वो सब चीज़ें। ठीक है, ओके। अब अगर इसकी वायर्स की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे देखो आपको USB मिल जाती है, काफ़ी बढ़िया है USB। ठीक है, USB क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। वायर नॉर्मल है, ब्रेडेड वायर नहीं है। अगर आपको ब्रेडेड चाहिए तो आप ले सकते हो। हाँ, सबसे पहले तो प्राइस की बात कर लेते हैं। तो प्राइस है इसका लगभग 1200 रुपीज़ में मुझे पड़ गया। आप डिस्काउंट में था तो मुझे अच्छा डिस्काउंट मिल गया। यहाँ पे आपको HP का भी ब्रांडिंग मिल जाता है, और यहाँ पे आपको कुछ नंबर लॉकिंग के लिए जो होते हैं वो यहाँ पे देखो कुछ एरोज करके बताए गए हैं। अगर आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। अब एक काम करते हैं, अपने पास ना एक लैपटॉप है, तो ये लैपटॉप मैं यहाँ पे लेकर के आया। अभी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं इसे कनेक्ट कर पाऊँ एंड आपको दिखा पाऊँ फिर कि ये कैसे चल जाता है। ठीक है, तो लैपटॉप जब तक हमारा ऑन होता है तब तक मैं आपको इसका पीछे की साइड में दिखाता हूँ क्या क्या लिखा गया है। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ इसके नंबर्स वगैरह दिए गए हैं, तो सीरियल नंबर है इसका, तो सीरियल नंबर मैं छुपा देता हूँ। वैसे दिखाया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने छुपा दिया। DC 5 वोल्ट 200 mA गेमिंग कीबोर्ड 500F। एंड उसके बाद में आपको यहाँ पे ये भी मिल जाता है, जिससे इसका बेसिकली यूज़ क्या है ना मैं आपको बताता हूँ। देखो, वाव, ये रबर पैडिंग भी आपको यहाँ पे मिलती है। इससे होता क्या है कि आपका कीबोर्ड ऐसे मूव नहीं हो जाएगा। अगर नॉर्मल सी लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करो तो इसे बोलते हैं सटक नहीं जाएगा। हम जो बोलते हैं ना कि कीबोर्ड आपका सटक जाएगा, तो वैसा कुछ इसके अंदर नहीं होने वाला अगर आप इसे प्रॉपर तरीके से लगा देते हो। तो थोड़ा वेट करिएगा, क्योंकि मैं अब अपना जो लैपटॉप है उसे ऑन कर चुका हूँ। तो जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर लिया है, यहाँ पे USB कनेक्ट मैंने कर लिया है अपने लैपटॉप के साथ में। एंड ये लैपटॉप का मैंने जो है अपना जो नोटपैड वाला सेक्शन होता है उसे ओपन करके यहाँ पे रखा हुआ है नोटपैड में। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो है आपको यहाँ पे कलर्स देखने मिलते हैं। तो क्या ये कलर हम चेंज कर सकते या फिर नहीं कर सकते? तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे कहीं पे भी ऐसा कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा जिससे मैं इसका कलर चेंज कर पाऊँ। अगर आपको पता है इसका कलर कैसे चेंज करते हैं तो वो आप मुझे नीचे बता सकते हो, या फिर अगर मुझे इसका कलर अगर बंद भी करना है। ओ, एक चीज़ मुझे मिल गई है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ क्या। अगर मैं ये वाला बटन प्रेस करता हूँ, ये वाला बटन, तो यहाँ पे ये वाला लाइट ब्लिंकिंग शुरू हो जाता है। ये लाइट देखिए, ये वाला लाइट HP का लाइट, ओके, ये चालू हो गया। उसके बाद में ये नंबर लॉक, ये नंबर लॉक का बटन यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइट ब्लिंक करता है बराबर। अब आपको शायद से ये
व्हाइट दिखाई दे रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ये है ब्लू लाइट्स। ओके गाइस, ये ब्लू लाइट है यहाँ पे। अब इसके बाद में कैप्स लॉक का भी मैं आपको बटन प्रेस करके दिखा रहा हूँ। ये वाला कैप्स लॉक, ये मैंने प्रेस कर दिया, यहाँ पे देखिए कैप्स लॉक का भी लाइट यहाँ पे ऑन एंड ऑफ हो जाता है। अब हम यहाँ पे आते हैं अपने सिस्टम पर, और सिस्टम पे जो है मैं आपको यहाँ पे टाइप करके दिखाता हूँ हर एक चीज़। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ताकि हमें पता चले कि क्या हमारा हर एक शब्द वहाँ पे आ रहा है, क्योंकि हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हर एक शब्द वहाँ पे प्रिंट हो जाए। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको वहाँ पे नज़र आ रही होगी चीज़ें। ASDFGHJKL बराबर, और जैसे मैं आपको और नीचे वाली जो लाइन है उसके ऊपर टाइपिंग ले रहा हूँ, तो वह सब चीज़ें आई होप आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पर। ओके गाइस, तो ऐसा है, हर एक चीज़ जो है काफ़ी बढ़िया से यहाँ पे चल जा रही है। ओके, शिफ्ट भी चल जाता है, और ये वाले साइड से जो नंबर से वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। ओके गाइस, सो इट इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन। ठीक है, तो ये काफ़ी बढ़िया चल जाता है। ये देखिए, अभी बहुत से लोगों को ना एक और चीज़ का डाउट होता है, एंड वो चीज़ क्या है वो समझिए। अब ये जो कीबोर्ड है ना, इसके अंदर डाउट लेने वाली बात ये होती है कि अगर मैंने ये कीबोर्ड परचेस कर लिया तो क्या मुझे इसके अंदर के बटन्स में जो लिखा गया है वो दिखेगा या नहीं। अब फाइनल टेस्ट, तो ये वाले टेस्ट के लिए हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा लाइट्स बंद, एंड ये मैंने लाइट्स कर दिए है बंद, एंड जो यहाँ पे मेरा लैपटॉप है उसके भी ब्राइटनेस मैंने कम कर लिया है। अब देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है गाइस, जब आप ये कीबोर्ड खरीदने की कोशिश करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या ये कीबोर्ड में आपको नज़र आएगा। अभी बहुत से कीबोर्ड यहाँ पे ऐसे थे 400-500 रुपए में, जिसके अंदर लाइट तो लग जाता है लेकिन उसके अंदर ऊपर के जो भी वर्ड्स लिखे होते हैं वो अगर आपको नहीं दिखाई देगा अंधेरे में तो उसका क्या मतलब। अब ये देखिए अंधेरे में कितना बढ़िया लगता है, कितना काफ़ी बढ़िया सा एलिगेंट सा लुक आपको यहाँ पे दे देता है ना। तो ये सब चीज़ें होती है इसके अंदर। एंड ये देखिए, ये HP का लोगो है यहाँ पे जो आपको ब्लू कलर में ब्लिंक होता हुआ दिखता है, तो ये प्रॉपरली ब्लू कलर में ही ब्लिंक होता है, एंड ये सब चीज़ें ब्लू कलर में ही ब्लिंक होते हैं यहाँ पे और कुछ नहीं। तो ऐसा है। अब अगर आप मुझे मेरा रिव्यू पूछोगे तो भाई बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे फिलहाल तो। अब अगर आप मुझे पूछोगे कि क्या हमें ये परचेस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो मेरा पर्सनल व्यू या फिर मेरा पर्सनल ओपिनियन, हाँ आप परचेस कर सकते हो अगर आपको गेमिंग पसंद है तो। अगर आप इसमें दो चीज़ें और पूछ सकते हो मुझे कि क्यों मैंने USB वाला लिया एंड क्यों मैंने वो बैटरी वाला नहीं लिया या फिर वायरलेस नहीं लिया, तो उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि अगर मैं वो लेता हूँ तो मुझे हर बार उसके अंदर सेल चेंज करना पड़ेगा, जिससे मेरा खर्चा बढ़ जाएगा, एंड इतना ज़्यादा खर्चा करके मुझे करना ही क्या है जब मेरे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है कि जो मैं USB से यूज़ कर सकता हूँ एंड अनलिमिटेड टाइम तक इसे ऑन रख सकते हैं, इसका लाइट भी ऑन रख सकते हैं, बैटरी लेने का झंझट नहीं है। तो इसलिए मैंने ये वाला परचेस कर लिया, क्योंकि अगर आपने कभी ऐसे कीबोर्ड यूज़ किया है तो आपको पता है उसके अंदर बैटरी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हम वहाँ पर वायरलेस नहीं लेंगे। अगर हाँ वायरलेस लेना ही है तब बात अलग है, लेकिन अगर वायरलेस अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड करिएगा। इसके अंदर डिले आपको बिल्कुल भी देखने नहीं मिलता, जो डिले हम कहते हैं वो बिल्कुल नहीं होता है अगर आप वायर्ड चीज़ों में इन्वेस्ट करते हो तो। तो ये मेरा सिंपल सा रीज़न है ये परचेस करने का, एंड काफ़ी बढ़िया है। अगर आपको इसके ओवरव्यू देखना है कि मुझे कैसा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले कुछ वीडियोज़ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये ओवरऑल कैसा प्रोडक्ट है एंड क्या आपको इसे परचेस करना चाहिए या फिर नहीं। अगर इसे परचेस करना है तो लिंक्स मैंने आपको दे करके रखा हुआ है, परचेस कर सकते हो। 400, 500, 600, 700 वाला लेने को मत जाओ, ले लोगे लेकिन उसके ऊपर का अगर वो वर्ड नहीं दिखेगा तो कोई मतलब नहीं बनेगा, इसलिए थोड़ा महंगा है, चल जाता है लेकिन काम अच्छा हो जाता है।